बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर है राइनोसरोस पे। राइनोसरोस की कोई सी दो ड्राइंग जो हम ट्रेस करेंगे आज। दो ड्राइंग जो आज हम ट्रेस करेंगे इसके ऊपर ही आज राइनोसरोस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। राइनोसरोस का जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हमने दिए हैं राइनो पे, जितने भी लेक्चर हमने राइनो पर दिए हैं पहले वो देखें, जहाँ से नहीं समझ आता तो पूछें। लेकिन इसमें मज़ीद इतना ही है, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते राइनो के लिए। आज तो न्यू डिज़ाइन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, जो मैं आपके सामने ट्रेस करूँगा और उसके अंदर डिफरेंट कमांड्स का इस्तेमाल होगा। एक सर्कल के लिए वाली कलर व्यू देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये डार्क ही है। सर्कल वाली हमने पहले भी एक ड्राइंग बनाई है जिसको मैंने एयर रिंग का नाम दिया था। आज फिर हम सर्कल वाली ड्राइंग बनाएंगे। सर्कल वाली ड्राइंग बनाने का तरीकाकार ये होता है, मैं ये वाली ड्राइंग बनाऊंगा। सर्कल वाली ड्राइंग का तरीकाकार यह होता है कि अगर आप इसको अकेले अकेले सर्कल को ट्रेस करेंगे तो ये इम्पॉसिबल है कि आप इक्वल डिस्टेंस के साथ इसको ट्रेस कर सको। ये इम्पॉसिबल है, इसको आप कर ही नहीं सकते। इसके लिए आपको कमांड्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये दूसरा लेक्चर सेम कमांड्स वाला एक बार रिपीट करने लगा हूँ। एक सर्कल है, हमने सेंटर ले लिया है, इसका हम ऑफसेट देंगे। सेट मैंने पहले ही 20 मिलीमीटर सेट किया हुआ है, तो 20 मिलीमीटर ही इसका ऑफसेट दे लेते हैं। फिर ये इसके साथ हमने अटैच करना है कमांड, ये सर्कल वाली कमांड आप बाहर निकाल के रख लें। इसके साथ ये अटैच होना चाहिए, ये कंप्लीट हो गया है। तो भी आप 20 मिली का ही ऑफसेट दे दें। इसको सिलेक्ट करेंगे दोनों को, हो सके तो इसको ग्रुप भी कर लें, ये ग्रुप कमांड है। इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद ये वाली कमांड जो पोलर रे है इसको क्लिक करें। इसका सेंटर, इस ये वाले सर्कल का सेंटर आपने लेना है और इस सर्कल को आपने रोटेट करना है। ये वाले सर्कल का सेंटर लेने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर टोटल 4 सर्कल हैं, मतलब आपको 4 सर्कल इस सर्कल के आसपास 4 सर्कल रोटेट करवाने हैं। यहाँ पर जो हमारे पास है वो 2 है, हम खुद से 4 लगाएंगे, एंटर करेंगे। एंटर का ये आ रहा है कि वो 360 डिग्री पे घुमाने जा रहे हैं हम। जी, हम 360 पे जा रहे हैं। एक बार फिर एंटर करते हैं। इक्वल डिस्टेंस के साथ ये 4 सर्कल रोटेट हो गए खुद ब खुद, इक्वल डिस्टेंस के साथ। वो ऐसे ही रहने दें। इसके बाद सॉरी, ये हमने बाहर ली हुई है। यहाँ से फिर वही जो आपने पहले कमांड इस्तेमाल की थी वो फिर एक बार इस्तेमाल करें, इसका ऑफसेट दे लें। ऑफसेट देने के बाद आप फिर इसको सिलेक्ट करें, पोलर रे की कमांड लें और सर्कल का सेंटर इसी के लेना है जिसका पहले लिया था। अब इसको देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल हैं, तो हम यहाँ पर 8 दबाएंगे और 360 पे घुमाना चाह रहे हैं, 360 पे घुमा लेंगे। ठीक, अब फिर वही कमांड एक दोबारा फिर लें, यहाँ से इसको यूज़ करें, यहाँ तक छोड़ दें, ऑफसेट ले लें, तो सिलेक्ट करें और पोलर की कमांड लें और इसका सेंटर। इसका सेंटर के बाद आपने ये जो सर्कल है इसको गिन लेना है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हैं, 8 ही हैं। ये 8 के साथ ही उसको हमने रोटेट करवा दिया। अब ये सर्कल भी है, ये सर्कल भी है। पहले आप ये वाले सर्कल को बना लें F8 के साथ, जो आपने स्ट्रेट व्यू दिया हुआ है उसको ख़त्म कर दें यहाँ। ठीक है, ऑफसेट दे दें, उसको सिलेक्ट करें, पोलर रे कमांड इस्तेमाल करें, फिर इसका सेंटर लें। इसके सेंटर लेने के बाद फिर एक बार आप सर्कल को गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हैं हमारे पास, फिर 8 ही हैं। तो दफ़ा एंटर करते हैं, इस जगह पे खुद आ जाएंगे। अब आ गया सबसे छोटा सर्कल, ये वाला। इसको ये करें,
बाद इसका ऑफसेट लें, इसको सिलेक्ट करें, सोलर अरे कमांड का इस्तेमाल करें, फिर उसी सर्कल का सेंटर लें, ये कितने हैं 3, 2, 6, 2, 5, 6, 7, 8, 8, ये भी 8 ही हैं, ये 8 कर लें इसे, दो दफ़ा एंटर दबा के। अब इसकी बाहर की बाउंड्री देनी है, बाहर की बाउंड्री के लिए आपने सर्कल कमांड को यूज़ करना है, इसका सेंटर लें, सेंटर लेने के बाद इसको इसी तरह ही बाहर लेते जाएं, यहाँ पर लागे से छोड़ दें, फिर ये वाली लाइन को पकड़ें, इसको बाहर को ऑफसेट दें। ये अब आपके सामने ये सर्कल कंप्लीट है, इसको कॉपी करें, कॉपी करके इसको बाहर ले आएं, लेकिन ये काफ़ी सारी लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं, तो बेहतरीन तरीकाकार ये होगा कि इसको ट्रिम कर लें। ट्रिम हो रहा है ये, इसी तरह ही आपने ट्रिम करते जाना है, ये सारा ट्रिम हो जाएगा। ये देखें, ध्यान रखें आप के साथ आपने इस तरह ट्रिम करना है, हमारा वेक्टर ना कोई ख़राब हो, और डिज़ाइन को देखते हुए आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारा कोई सर्कल भी ख़राब नहीं हो रहा। तो ख़त्म करें ये, देखिए मैं ट्रिम कर रहा हूँ लेकिन मैं ध्यान रख रहा हूँ कि हमारा सर्कल भी कोई ख़राब नहीं हो रहा। इसके ऊपर दूसरा लेक्चर मैं इसलिए देना ज़रूरी समझ रहा था कि क्योंकि बहुत सारे मैंने डिज़ाइनर देखे हैं जिनको सर्कल के अंदर घुमाना नहीं आता, जिनको पोलर अरे का इस्तेमाल नहीं पता होता, ट्रेसिंग पे शुरू हो जाते हैं, ट्रेस करते रहते हैं और थोड़े टाइम का जो काम होता है टाइम लगा देते हैं उसे। चलें, एक दफ़ा एक लेक्चर रिपीट हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ लगी तो बेहतर है, मैं आपका टाइम भी बच जाएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। व्यूज़ आते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें, आपका बहुत शुक्रिया होगा अगर आप सब्सक्राइब कर दें। इससे ज़रा काफ़ी नए लेक्चर्स होंगे, अब ये राइनोसोरस का आज आखिरी लेक्चर है, इसके बाद मेरी कोशिश ये होगी कि मैं कोरल ड्रा के ऊपर लेक्चर बनाऊं। जैसे ही मैं कोरल ड्रा के ऊपर लेक्चर बनाऊंगा वो आपको पता नहीं चलेगा, फिर आप सब्सक्राइब किया होगा, आपने बेल आइकन पर क्लिक किया होगा, आपको लेक्चर पहुंच जाएंगे। काफ़ी दोस्तों ने मुझे ये कहा कि आप अपनी वीडियो को थोड़ा ऐसे करें, थोड़ा वैसे करें, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप जो सीख रहे हैं वो आप तक मैं पूरी तरह पहुंचा पा रहा हूँ। इसी तरह सारा आपने ट्रिमिंग कर लेना है, सर्कल को ख़राब नहीं होने देना किसी को भी, क्योंकि ये सर्कल वाली ड्राइंग है और अगर सर्कल ही ख़राब हो गया तो फिर ड्राइंग जो है वो सारी ख़राब हो जाएगी, प्यारी नहीं लगेगी, ख़राब तो नहीं होगी प्यारी नहीं लगेगी। अगर कल को कोई कस्टमर आपके पास ये वाला डिज़ाइन लेकर आता है और आप किसी सर्कल को ख़राब कर देते हो तो फिर बाद में वो कंप्लेन करेगा, दोबारा फिर वो आपके पास आएगा नहीं। ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं इसका इतना मसला नहीं होता, जब आप इसको कर्वलियन की कमांड लगाएंगे तो ये छोटे लाइनें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी खुद ही। पिछले लेक्चर्स में मैंने वो सब बताया हुआ है कि वो किस तरह ख़त्म होती हैं, वो देखने के लिए आप पिछले लेक्चर्स जो हैं एक बार उसका रिवाइज़ कर लें, वो देख लें। लेक्चर्स ज़्यादा लेंथी नहीं होते, छोटे छोटे लेक्चर्स होते हैं 10-10, 15-15 मिनट के, उनमें आप अपने मतलब की चीज़ देख लिया करें, अगर वो सारा लेक्चर देखने के लिए आपको मसला बनता है तो अगर लेंथी लगता है तो आप अपने मतलब की चीज़ देख लिया करें, बाकी स्किप कर दिया करें।
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब नहीं करते आप, व्यू आते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं आती। काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें। ये कंप्लीट हो गया है, एक कर्व बुलियन की कमांड है, कर्व बुलियन कमांड को इसके अंदर हम छोड़ देंगे और एक दफ़ा राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम इसे बाहर ले आएंगे। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट। इसको चेक करने के लिए हैच लगा के देख लेते हैं। ये हैच लग गया, ये आपका कलर व्यू आ गया, ये आपका डिज़ाइन बन गया। तो मैं एक दफ़ा इसके साथ रख देता हूँ। ये देख लें जी, ये आपका डिज़ाइन है। ये सर्कल वाला डिज़ाइन था। एक दफ़ा मैंने फिर कर्व बूलियन ट्रिमिंग हैच और ऑफसेट की कमांड इसमें इस्तेमाल की है। ये डिज़ाइन आपके सामने है, बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर आप इसको ट्रेस करते वन बाय वन तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता। अगर हमने एक ही कमांड का इस्तेमाल किया और बेहतरीन किस्म की डिज़ाइन बना दी है। अब दूसरा लेक्चर आज ही मैं उसको ऑन एयर करूँगा और उसके लिए एक और डिज़ाइन बनाऊँगा। ये सर्कल वाला मेरा दूसरा लेक्चर था। एक और लेक्चर आज मैं ऑन एयर करूँगा। काइंडली अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और फॉरवर्ड कर दें। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत। अपनी दुआओं में सबसे ज़्यादा अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।